ग्रैमी से सम्मानित कैटी पेरी फिर से भारत आ रही हैं, जिसकी खुशी में बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर इसी हफ्ते घर पर एक ग्रैंड पार्टी करने वाले हैं। दरअसल कैटी इस हफ्ते एक लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने मुंबई आ रही हैं, जिसके लिए वो काफी उत्साहित भी हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कैटी पेरी है कौन, जिसके लिए करण इतने एक्साइटेड हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैटी पेरी के बारे में। कैटी पेरी बॉलीवुड सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिशियन और स्टेज परफॉर्मर हैं, जिनका असली नाम कैथरीन एलिजाबेथ हडसन है। लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम शॉर्ट करके दो अक्षरों का कैटी पेरी नाम रख लिया। दरअसल पेरी उनकी मम्मी का सरनेम है, जिसको उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ा। कैटी तब 9 साल की थी जब उन्होंने सिंगिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि बचपन से कैटी सिंगर बनना चाहती थी। लेकिन पेरेंट्स उनके सपने नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए 17 की उम्र में उन्होंने अपना सामान समेटा और हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। कैटी का कॉन्सर्ट देखने आए फैंस उन पर लिप बाम फेंकने लगते हैं, और वो भी चेरी फ्लेवर की। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके पीछे एक रियल स्टोरी है। एक शो में कैटी एक सॉन्ग पर आई किस द गर्ल पर परफॉर्म कर रही थी। सॉन्ग में लाइन आई टेस्ट ऑफ हर चेरी लिपस्टिक, और उन्होंने स्टेज पर एक लड़की को किस कर दिया था। बस फिर क्या था, लोग हर परफॉर्म पर उनके ऊपर चेरी लिप बाम उछालने लगते हैं। अक्टूबर 2010 को उन्होंने राजस्थान में ब्रिटिश कॉमेडियन रशेल ब्रॉन्ड से शादी की थी। कहा जाता है कि दोनों छुट्टी मनाने भारत आए थे, फिर लगे हाथ इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल शादी भी कर ली। लेकिन शादी के 14 महीने के अंदर ही दोनों ने तलाक ले लिया। बता दें कि कैटी मल्टी टैलेंटेड तो हैं, लेकिन थोड़ी अजीब भी। दरअसल जब कैटी पहली बार ग्रैमी अवार्ड के लिए गई थी, तो माइली साइरस और टेलर स्विफ्ट के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया था। उसी दौरान उन्होंने दोनों से कहा कि अपने थोड़े से बाल काट कर मुझे दे दो, जिनको कैटी आज भी अपने पर्स में संभाल कर रखती हैं। कैटी बिजनेस वुमन भी है। उनकी अपनी परफ्यूम चेन है, जिसका नाम पर है। इसके अलावा वो एक एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने 2017 में प्रोप 8 के विरोध में वोट दिया था। प्रोप 8 कैलिफोर्निया राज्य का वो संशोधन बिल था, जिसमें केवल एक महिला और पुरुष ही शादी कर सकते हैं। बता दें कि जुलाई 2019 के बाद से कैटी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सेलिब्रिटी है। उनके 10.8 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जबकि वो खुद सिर्फ 219 अकाउंट्स फॉलो करती हैं। उनसे पहले इस लिस्ट में बराक ओबामा थे। आपको हमारे पैकेज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।